नमस्कार दोस्तों। दोस्तों घर का प्लिंथ लेवल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इस घर की बात करें, ये आपका रोड लेवल हो गया। इस रोड लेवल से मात्र 6 इंची में इसका प्लिंथ लेवल है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं और एक कुर्सी, अगर आप आगे बढ़ेंगे इस रोड लेवल से 6 इंची इधर डाउन देख रहे हैं, वो हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि समय समय पर जो है रोड का लेवल अप होते रहता है। और एक और चीज़, तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर है कि भाई घर का प्लिंथ लेवल हमको कितना रखना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर कभी जो है रोड की हाइट भी हो तो हमारे घर का जो प्लिंथ लेवल है उसमें दिक्कतें ना आए। क्योंकि अगर जो है घर का प्लिंथ लेवल हम अगर डाउन रखेंगे तो फिर क्या होगा कि बारिश का पानी जो है हमारे घर में ही घुसेगा। अब एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। एक और जस्ट इस प्लॉट के सामने जो है एक और घर है, तो वहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका जो रोड लेवल है, इस रोड लेवल से आप देख सकते हैं कि उधर का आपका जो है लेवल बहुत ज़्यादा ही जो है लगभग 1 फीट तक, मतलब स्लोप में जो है डाउन हो गया है। तो चलते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रोड लेवल है उससे जो है लगभग 6 इंची जो है प्लिंथ लेवल उसका हाइट है। लेकिन हमने जो क्या किया, अगर हम इस प्लॉट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग काम जो कर रहे हैं, इसका प्लिंथ लेवल कितना रखना है, ये रोड लेवल इससे मात्र जो है ये 6 इंची आपका इसका घर का प्लिंथ लेवल है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, अब रोड लेवल ये हो गया, इससे लगभग 6 इंची आपका यहाँ जो है इस ड्रेन का लेवल हो गया। अब इस ड्रेन से ज़रा समझिएगा, अगर इस ड्रेन से आप जो है लगभग 1 फीट, ज़्यादा नहीं, ये जो बीम का लेवल आपको दिख रहा है, बीम का लेवल मतलब कि 1 फीट हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इस रोड लेवल से यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमारे प्लॉट तक पहुँचने के लिए जो है 1.5 फीट का हाइट हो गया। हाँ, अब सवाल उठता है कि जैसे कि ये एरिया हो गया मेरा जो कार पार्किंग को लेकर के, और पीछे साइड में आपका जो है जैसे एक बेडरूम हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, और इस चीज़ को लेकर, और यहाँ पर आपका सीढ़ी हो गया जो बनेगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब जो है इसका लेवल क्या रखना, इसका लेवल हम जो है 1 स्टेप चाहे 6 इंची और बढ़ा देंगे। मतलब जो है मेरा कार पार्किंग का लेवल जो है उस रोड लेवल से 1.5 फीट ही रहा। 1.5 फीट इसलिए क्योंकि अभी जो है बीम का जो लेवल एक ही लेवल में, जो एक्चुअल जो ये ज़मीन का लेवल है, इस अगर देखा जाए ड्रेन के लेवल से, उसी लेवल के बॉटम से जो है 1 फीट का हम लोग पूरा चारों साइड बीम दे रहे हैं। तो टोटल 6 इंची प्लस 1 फीट, 1.5 फीट हो गया, 1 फीट 6 इंची, उसके हिसाब से यहाँ पे जब पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो लेवल जो हमें देना है इन फ्यूचर में, अगर कभी भी जो अगर रोड का लेवल अगर आपका हाइट हुआ ज़्यादा अभी जाएगा भी, तो इस ड्रेन से ऊँचा नहीं जाएगा, 6 इंची जाएगा, तब भी आपके पास जो है 1 फीट रहेगा। अब बात करते हैं क्यों ना हम जो है रोड का लेवल जो है रोड के लेवल से 3 फीट हाइट में अपना प्लिंथ लेवल दे सकते हैं क्या। देखिए, अगर आप ऐसा देंगे तो फिर आपका जो कार है, कार पार्किंग का जगह है, ये कैसे आपका चढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। क्योंकि आपको जो है कार पार्किंग के लिए भी जो है, अगर पार्किंग के लिए बना रहे हैं तो आपको जो कार भी प्रॉपर तरीके से जो है आपका चढ़ जाए। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि कार पार्किंग के स्लोप को लेकर के जो है, अगर 1 फीट भी हम अगर कार पार्क हाइट लेकर चलते हैं, जैसे कि अगर यहाँ एक एग्जांपल लेंगे तो यहाँ देखिए, ये जो आपका जो इस घर का जो दिख रहा है प्लिंथ लेवल, ये आपका रोड लेवल से 1 फीट हाइट है। 1 फीट हाइट है तो कम से कम स्लोप आपका जो है 1:6 रहता है, मतलब 6 फीट आपको स्लोप लेकर चलना पड़ेगा, तो आपका कार आराम से घुस जाएगा। वही अगर 3 फीट हाइट रहता, जैसे ये 3 फीट हाइट है, इसमें जो है कार घुसना बहुत मुश्किल हो जाता। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको यही बोलेंगे कि अगर हम प्लिंथ लेवल डिसाइड करने की बात करें तो उतना ज़्यादा भी नहीं देना है, जिससे कि कार चाहे बाइक पार्किंग को लेकर के ले जाने में दिक्कतें हो, और उतना अगर हाइट भी देंगे तो आपको स्टेप जो है रोड तक लेकर आना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम जितना से जितना हो सके, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया 2 फीट का इस रोड लेवल से, फिर से कहना चाह रहा हूँ, इस रोड लेवल से 2 फीट का हाइट। 2 फीट का हाइट में भी कंडीशन क्या था मेरा,
कि भाई एक फिट हाइट रहेगा किसका, एक फिट कहते डेढ़ फिट हाइट रहा किसका आपका इस कार पार्किंग का। उसके बाद दो फिट जो हाइट रहेगा, जैसे यहाँ से घर का इंट्री है तो इंट्री का जो है दो फिट हाइट रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ जो प्लिंथ बीम एक ही लेवल में ढलाई कर रहे हैं, और उसके बाद इसके सीढ़ी का भी लेवल वही रहेगा, कार पार्किंग का लेवल भी आपका वही रहेगा। और इसके आगे की लेवल की बात करें हम, तो वो आपका जो है दो फिट रहेगा, मतलब दो स्टेप के बाद आप घर में आराम से एंट्री कर सकते हैं। मतलब लेवल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो आपका टाउन एरिया का ज़मीन है, यहाँ पर उतना सोचना नहीं है। टाउन एरिया में ज़्यादातर जो है आपका रोड हाइट होता नहीं है। वही अगर आपका जो है विलेज गांव एरिया रहता, विलेज एरिया रहता, अगर खेत का ज़मीन है, तो वहाँ पे आपको जो है जो एक्चुअल जो मेन रोड का लेवल है, उस मेन रोड का लेवल से आपका जो है 3 फीट हाइट लेकर चलना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपका इन फ्यूचर में कभी रोड हाइट हो, चाहे कभी ड्रेन कुछ बने, तो आपका जो है प्लॉट नीचे ना जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस प्लॉट को अगर हम नीचे कर देंगे, हमको ड्रेन में पानी ले जाने में दिक्कत होगा। यहाँ तक कि जो सीवेज लाइन का जो वहाँ चैम्बर है, उसमें भी जो है हम कनेक्शन प्रॉपर तरीके से जो है नहीं दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको ये डिसीजन लेना है कि भाई प्लिंथ लेवल का हाइट कितना देना है। अब बात कर लेते हैं कि प्लिंथ लेवल का हाइट, अब ये जो यहाँ पे जो है बीम दिया जा रहा है, इसको आप प्लिंथ बीम भी बोल सकते हैं, टाई बीम भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो है टाई बीम है। ये टाई बीम जो है हर जगह रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ चारों साइड बीम दे देंगे, नहीं, ये टाई बीम मेरा जो है जहाँ जहाँ पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे मेरा ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक लेआउट होगा, तो वहाँ वहाँ आपको जो है इस टाई बीम को देना है, जिससे क्या कि इसके ऊपर ईट चिनाई हो सके और प्रॉपर तरीके से जो है आपका जो है ब्रिक का लोड जो है ले सके और उसको कॉलम पे ट्रांसफ़र करे। ब्रिक का लोड बीम पे आएगा, बीम का लोड कॉलम पे आएगा, कॉलम से फाउंडेशन चला जाए। ये आपको ध्यान में देना, नहीं तो बहुत लोग क्या करता है, बस नॉर्मली जो है ये फ्लोर पे ही कर देता है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका वाल में क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गए दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लिंथ लेवल को लेकर के जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कोशिश कीजिए मिनिमम जो है हम अलाउ कर, मतलब बताता हूँ जो है कम से कम रोड लेवल से 1.5 फीट हाइट आपको करना ही करना मिनिमम। मैक्सिमम आप तो कितनों भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई कार पार्किंग को लेकर के जो कार का जो स्लोप होता है वो प्रॉपर तरीके से बने और कार को चढ़ने में कोई दिक्कतें ना आए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।